अगर ये सब तुम्हारे ससुराल वालों ने किया है तो सिर्फ मंत्र के बल पे तो नहीं कर पाए होंगे। कोई जरिया, कोई तरीका जरूर ढूंढना होगा उन्होंने इस बुराई को यहां तक पहुंचाने के लिए। ठीक से याद करो, कोई खाने पीने की चीज आई थी वहां से, या तो किसी ने उनका भेजा हुआ प्रसाद, नारियल, फूल, कोई ऐसी चीज लाके दियो जो अभी तक तुमने घर में रखी है। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। कैसे हो सकता है बिना किसी जरिए के हजारों कोस दूर से? नहीं, कुछ तो ऐसा जरूर है जो तुम्हें याद नहीं आ रहा। वैसे कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान से किसी ने एक तोहफा जरूर भेजा था। तोहफा? कौन सा तोहफा, किसने, कब भेजा था? अभी कुछ ही दिन पहले डाक से एक लॉकेट आया था। लॉकेट? सबसे पहले तो जो हो चुका है उसे बेअसर करना होगा। यहाँ कोई नदी या नहर तो होगी? हाँ, 3 कोस दूर थेम्स नदी है। तो अब हमें रात होने का इंतजार करना होगा। रात के 3 बजे का समय दोनों प्रहारों के मिलने का समय होता है। हमें इस लॉकेट का विसर्जन ठीक 3 बजे करना होगा। तुमने मंत्रों को तो अच्छी तरह याद कर लिया है ना? हाँ। कोई भी लापरवाही 3 जाने ले सकती है, तुम्हारे पति की, तुम्हारी और मेरी। तुम्हें यह लड़ाई सिर्फ 15 मिनट के लिए लड़नी होगी। घड़ी का कांटा 9 पे आते ही मैं यहां से निकलूंगा और ठीक 3 बजे नदी पर पहुंचकर इसे विसर्जित करूंगा। पर तब तक तुम्हें लगातार मंत्रों का उच्चारण करके उस आत्मा को यही बांधे रखना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो आत्मा मुझ तक पहुंच के मुझे रोकने की कोशिश करेगी और शायद कामयाब भी हो जाएगी। हम ऐसा नहीं होने देंगे जय, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। मैं जानता हूं शिवांगी कि तुम अपनी पूरी कोशिश करोगी, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो आत्मा तुमसे 100 गुना ज्यादा कोशिश करेगी यहां से बाहर निकलने की। वो तुम्हें डराएगी, फुसलाएगी, तुम्हारी आंखों में धूल झोंकेगी, लेकिन कुछ भी हो जाए शिवांगी 3 बजे से पहले तुम्हें मंत्रोच्चार बंद नहीं करना है, एक पल के लिए भी नहीं। न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम अभीष्काल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम वायुमंडल भेद नाम, न सृष्टम न दृष्टम। छोटी बालकोनी, जाप मत बंद करना, जाप मत छोटी मालकानी, आप घबराइए मत, मैं लालटेन लेके आती हूँ। भेद नाम न सृष्टम न दृष्टम वायु।
सृष्टि न दृष्टि अभिष्काल भेदनाम न सृष्टि न दृष्टि वायुमंडल जॉर्ज रिवर रिवर शिवांगी, वहां क्यों छुपे हो आप? क्या हुआ? शिवांगी बात क्या है? कुछ कहिए तो सही, क्या हो रहा है ये सब? क्या हुआ शिवांगी, क्या हुआ? आप इतना रो क्यों रहे हो? आप ठीक तो हो ना? भगवान ने मेरी सुन ली, उसने आपको सही सलामत मेरे पास भेज दिया। तो इसे लंदन। वो आएगी? उसका मर्ज भी मैं हूं और दवा भी। शिवांगी को अब आना ही होगा। हम हाथ जोड़ते हैं, आप लंदन आ जाओ, हमारे पति को बचा लो, प्लीज वीरसा को बचा लो। जय न सृष्टम न दृष्टम अविष्ट काल भेदनम न सृष्टम न दृष्टम अविष्ट काल भेदनम न सृष्टम न दृष्टम अविष्ट काल भेदनम न सृष्टम न दृष्टम अविष्ट काल भेदनम। राजकुमारी शिवांगी, जैसे सांप के काटने का असर सांप के जहर से ही खत्म हो सकता है, वैसे ही तुम्हारे वीरसा की दवा और मर्ज दोनों इस लॉकेट में। अब तुम्हारे वीरसा को कोई बचा नहीं पाएगा।